नमस्ते राम राम अस्सलाम वालेकुम, असला सस्काल और भूला आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फोकस। मैं हूँ आपकी हाउस सेरा शर्मा हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम सिल्वर एंड नेशंस। जय माता दी। क्षेत्र नवरात्रि ये जो हिंदू फेस्टिवल अभी शुरू हो रही है मार्च ट्वेंटी से लोग घर और मंदिरों में नव दुर्गा माँ का पूजा करेंगे हैप्पी नवरात्रि एंड मेनी माँ का ब्लेसिंग्स टू यू ट्वेंटी 22 इज द फर्स्ट डे ऑफ रामदान एंड कंटिन्यू फॉर वन मंथ रमदान का महीना हमारे और से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो हैप्पी मंथ ऑफ की फास्ट फॉर द होली मंथ ऑफ रामदान You phone calls and feedback. Let's take a short break and hear some words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vik Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vik Prasad now on 604 306 6647. Vik Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209 9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one time free consultation either on Facebook or by calling 604 396 0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center located at Pile Business Center at 201 8166 128 Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated two halls to serve you up to 1000 guest capacity. Top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604 598 2700 for your events. Venice Mobile Detailing Services, they offer commercial trucks cars suv boats bikes rvs and much more just give them a call at 778-808-2859 just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home thank you sponsors for your support abhamar isar puri Namaskar. फिजीन फोकस में आपका स्वागत है यह कार्यक्रम वैन को कैनेडा से प्रसारित हो रहा है फिजी न्यूज के साथ मैं हूं विक प्रसाद पिछले महीने गिरलेव बा में भजन गाते हुए कथित रूप से गाली गलोच करने वाले भजन गायक पर पुलिस ने आरोप लगाया है इस घटना का वीडियो वायरल हो गया था जिसका व्यापक निंदा हुआ था व्यक्ति पर सामान्य उपद्रव का आरोप लगाया गया है और इस महीने की तीस तारीख को बा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा इस घटना के बाद फिजी की सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ने भजन गायकों या भजनियों द्वारा हिंदी भजनों में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने के लिए निंदा किया है सांस्कृतिक और धार्मिक गायकों की देखभाल के लिए सभा के भीतर एक इंटरिम विंग भी बनाया गया है सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र नंद ने भी प्रस्ताव दिया है कि प्रत्येक सांस्कृतिक और धार्मिक गायक को नए विंग के तहत रजिस्टर किया जाएगा और उसके पास एक उचित पहचान पत्र और एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स पी ओ का कहना है कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एया सैद खयूम के बॉडी गार्ड्स द्वारा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में हथियार ले जाने का आरोप का को रिपब्लिक ऑफ फिजी मिलिट्री फोर्सेज द्वारा ऑथोराइज नहीं किया गया था तिकंदुव कहते हैं कि वे पुष्टि कर सकते हैं कि छह व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों के एक समूह को क्रमशः पूर्व प्रधानमंत्री बनीमारामा और पूर्व ए के लिए किसी एक समय पर सौंपा गया था उनका कहना है कि इसमें 24 घंटे की शिफ्ट की अवधि शामिल थी और सैनिकों को इस भूमिका के लिए विशेष रूप से प्रतीक्षित सैनिकों के एक समूह में चुना गया था तिकंदुंदुआ का कहना है कि बनीमारामा टू से इस तरह के संरक्षण में थे जबकि जी सैद कय की सुरक्षा बहुत बाद में शुरू हुआ था उनका कहना है कि वीआईपी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात हर जवान के पास ग्लोब 9 एमएम पिस्टल होता है होम अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि आरएफएमएफ पर्सनल विमान में हथियार ले जाने के लिए अधिकृत नहीं है तिकोन दुवा का कहना है कि वे इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी और प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स के से बंधे हैं और अगर वास्तव में वे इन हथियारों को विमानों में ले जाते हैं तो यह माना जाता है कि इसे केएफ जैसे किसी भी या एक या कुछ एविएशन अथॉरिटी द्वारा अधिकृत किया गया होगा मंत्री का कहना है कि इसके विपरीत हथियारों की तस्करी भी कारण हो सकती है या दिया गया है एक गैर कानूनी आदेश और कार्यालय या शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है तिगंदुआ यह भी कहते हैं कि 20 से अधिक वर्षों से सुरक्षा प्रदान करने वाले सैनिकों की संख्या को देखते हुए या प्रकट करने में थोड़ा और समय लगेगा कि सैनिकों के वेतन में आर एम आर एफ की लागत कितनी है और गणता करने के लिए उनके काम के लिए सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है पिछले सरकार के सत्ता में रहने की अवधि के दौरान कैफ की मंजूरी के बिना घरेलू उड़ानों पर बंदूकें ले जाने के आरोपों के संबंध में पुलिस के पास एक रिपोर्ट दर्ज की गई है एक 80 वर्षीय व्यक्ति पर लबुसीबा के एक 40 वर्षीय कापिंटा की कथित हत्या का आरोप लगाया गया है और उसे आज बा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा आरओपी पर हत्या है की यह आरोपी पर हत्या का एक मामला दर्ज हुआ है पुलिस का कहना है कि उन व्यक्ति ने पीड़िता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है और शुक्रवार सुबह बा टाउन में बेहोशी के हालत में मिला था पीड़ित को बा एसपेन हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में लटोका हॉस्पिटल ले जाया गया जहां रविवार को उनकी मौत हो गई सस्पेंडेड पुलिस कमिश्नर सितिवेनिंग गिलियो से उनके खिलाफ एक अन्य रिपोर्ट के संबंध में फिर से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस एक्टिंग आईसीपी सकियो रैकादी ने पुष्टि की है कि पिछले साल दिसंबर में रिपब्लिक ऑफ मिलिट्री फोर्सेस के हस्तक्षेप के लिए बुलाए गए टिप्पणियों के संबंध में उकसाने और आरोप के संबंध में गिलियो से पूछताछ की गई है ऑपोजिशन एमपी पी डॉक्टर इरिफेमी वांगनी बेते ने इस महीने की 10 तारीख से संसद से इस्तीफा दे दिया है डॉक्टर वांगनी बेते का इस्तीफ़ा गेजेट कर दिया गया है यह तीन महीने के करीब पाँच फिजी फर्स्ट इलेक्टेड एम के बाहर निकल गए हैं जिसमें वारंग बानी मारा अय्या सैयद के युम डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और रौजी अकबर भी शामिल है संसद में आने वाले सूची में अगले फिजी फर्स्ट उम्मीदवार वीना कुमार भटनागर है जिन्हें 527 वोट्स मिले हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चिल्ड्रंस कमिश्नर मारिया ललोवा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है आईसीसी का कहना है कि वे यूक्रेन वो के दौरान युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है जिसमें यूक्रेन से रूस में बच्चों का अनलॉफुल डिपोटेशन भी शामिल है रूसी विदेश मंत्री ने अत्याचारों से इनकार किया है और वारंट को कई महत्व नहीं होने के रूप में भी खारिज कर दिया है रूस आईसीसी के रोम स्टेट्यूट का सिग्नेटरी नहीं है इसलिए पुटिन और लोवोवा बिलोवा को एक्सट्राडाइट नहीं किया जाएगा आप देख रहे फिच इन फोकस आप कुछ स्थानीय समाचार एक रिचमंड ग्रैंडमादा जो कहती है कि उसे 9000 डॉलर कैश और एक वैल्यूएबल नेकलेस से घोटाला किया गया है उम्मीद कर रही है कि अन्य वरिष्ठ लोग इसी तरह की योजनाओं के शिकार नहीं होंगे यह फरवरी के शुरुआत में हुआ था जब 88 वर्ष ग्राइचन शेलनबर्ग को किसी एक व्यक्ति का फोन आया जिसने उनके पोते होने का दावा किया और वह कहती है कि यह फ़ोन करने वाले ने बताया कि किसी एक व्यक्ति के साथ कार दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और जिसकी पुलिस को तलाश थी और वह कानूनी परेशानी का सामना भी कर रहा है वो कहते हैं कि ग्रैंड मादा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तुम पहले व्यक्ति हो जिसके बारे में मैंने सोचा है इनिशियल कॉल के बाद वह कहती है कि एक अन्य व्यक्ति ने आरसीएमपी ऑफिसर होने का दावा किया और उससे संपर्क किया उसे एक लिफाफे में 5,000 डालने के लिए कहा जो एक जज को भी भेजा जाएगा उसने अपने बिल्डिंग के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा जिसे उसने नीला कोडबोर्ड दिया था जिससे संकेत दिया गया कि वे कोरियर थे आप देख रहे फिज इन फोकस

कनाडा के खिलाफ में फ्राइडे मार्च 31 8:52 पीएम होगा तीसरा मैच शनिवार सुबह 1:37 के खिलाफ में होगा अगर हम और देखते सेवन सीरीज के, तो स्थान पर है अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है 108 पॉइंट्स को लेकर फ्रांस तीसरे स्थान पर है 95 पॉइंट्स को लेकर फिजी चौथे स्थान पर 94 पॉइंट्स लेकर है और ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ पोजीशन पर है 94 पॉइंट्स लेकर छठवे पोजीशन पर सामुआ है जिनके पास 89 पॉइंट्स है अगर आप भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं फिजन फोकस की ओर से आप सभी को राम की शुभकामनाएं विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत धन्यवाद धन्यवाद विक प्रसाद जी अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है और आप कोई न्यूज़ शेयर चाहते हैं विक कॉल कीजिए और आप स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं

मंदिर के पंडित जी हमारे स्टडीज में आए आए हुए हैं और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे रामनवमी के बारे में सो so, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार जी नमस्कार धन्यवाद आपके सुनने वाले जितने भी श्रोता है सभी को मैं नमस्कार और धन्यवाद कहना चाहता हूं और रामनवमी के जैसे आप आपने कहा है कि ट्वेंटी सेकंड आने वाले बुधवार यानी ट्वेंटी सेकंड बुध को शुरुआत होती है और हमारे मंदिर में हम सात बजे से नित्रोज एक कार्यक्रम करेंगे और इसके अतिरिक्त जो ये डिना एवरी डे प्रोवाइडेड रहेगी और हमारे साथ राम मंदिर के भी सदस्यगण हैं और टी आई एस आई संगम में हमारे काफी लोग आते रहते हैं वैसे भी का... लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी पर वो संख्या जैसे हमें संभालना पड़ता है ना और जैसे भी रहती है लोगों कभी कभी पार्किंग की अगर प्रॉब्लम भी हुई तो बड़ा जगह है वहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत सी जगह है लेकिन कभी कभी रास्ते में खड़ा कर ले सकते हैं और आइए आप सभी आकर के यहाँ पर लुफ्स उठाइए रामनवमी का जो संदेशा है जो खुशहाली है एक एक कम्युनिटी की तरह हम आते हैं और कम्युनिटी मीनिंग कलेक्टिवली हम सब मिल के पूजा पाठ करते हैं और अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और आपकी जो ये प्रोग्राम है आ, इसके ज़रिए से जितने लोग सुन सकते हैं वो सब सुने और आकर के हमारे पास संगम मंदिर में टी आई एस आई संगम मंदिर नॉर्थ डेल्टा uh, में है सभी जानते हैं विषय yeah. में और आकर के लुफ्स उठाइए आनंद लीजिए हमारे साथ जो राम मंदिर के कार्यकर्ता हैं वो सभी उस प्रोग्राम में प्रोग्राम करने में मदद कर रहे हैं तो अ वेरी गुड थिंग लाइक दो मंदिरों का मेल है uh -huh. और वास्तव में संगम मीन्स नाइट पीपल ना uh -huh. yeah. तो दो दो तरह के संगम की मीनिंग भी आ जाती है और हमारे धीरू भाई हैं धीरू जिसे परमिंदर नायर कहते हैं वो प्रवचन करते हैं मैं भी प्रवचन करता हूँ और हमारे विनोद नायर जी है सभी लोग मिल करके करते हैं तो बड़ी धूमधाम से होगी हर साल ऐसे होता आया है होपफुली ये साल भी और पेंडेमिक में भी हमने कोशिश की थी कुछ जो कुछ थोड़ा हो सके किया जब तलक एकदम लॉकडाउन नहीं हुआ था और अब तो ऐसे ही है पूरा खुल गया है लोगों की अभी शिवरात्रि थी तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए थे तो तकरीबन तक कभी कभी लोगों को वही थोड़ी जैसे मैं कह रहा था पार्किंग के लिए प्रॉब्लम हो जाती है पर जगह तो बहुत है लेकिन फिर भी पार्किंग रास्ते में करके आप आ सकते हैं मंदिर में आइए भाग लीजिए दोनों तरफ पार्किंग है मैं गई थी क्या प्रोग्राम होता है कब कितना बजे से कितना बजे तक पूजा पाठ सात बजे से हम शुरू करते हैं अच्छा सात बजे शाम को शुरू कर देते हैं वैसे पूजन होती है थोड़ी देर जो हमारे पुजारी जी हैं सोम सुंदर मूल्यार मेरे पिताजी है अच्छा, हा, हा, okay. जी, तो ये लोग थोड़ा देरी तक करते हैं क्या पूजा पाठ करके साढ़े सात बजे से रामायण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है तो सात से साढ़े सात तक सब पूरा मौका रहता है अगर कोई थोड़ा देर में भी आया तो उनके लिए कभी कभी मैं भी वहाँ खड़ा रहता हूँ या कोई रहता है जो प्रसाद चढ़ा देगा इट्स नॉट अग डील और फिर उसके बाद में रामायण की कार्यवाही शुरू होती है तो होते होते तकरीबन हमारी ये ऐम रहती है एट थर्टी टू ट्वेंटी टू नाइन प्रोग्राम खत्म करके हम आरती शुरू कर देते हैं नाइन ओ क्लॉक एवरी जा करके प्रसाद उ कर लेते हैं तो हमने इस तरह का टाइमिंग इसलिए किया है कि हमारे मध में बुजुर्ग लोग भी हैं तो बुजुर्ग लोग को भी कईयों को हमारे फिजी कम्युनिटी में है उनको गोली वगैरह खाना पड़ता है तो इसलिए हमने टाइम ऐसा ही किया है कि जा करके अपना खाना पीना करके वो लोग अपना वो सब कर लेना बच्चे और... वगैरह भी आएंगे अभी हफ्ता तो नो प्रॉब्लम बट आफ्टर दैट स्कूल्स का ना भी बैक ना तो पेरेंट्स हैव टू गो बैक और बच्चे भी है तो लेकर आना चाहिए अगर बच्चे को हम नहीं लेकर आते तो फिर हम जो है हमारे जो सीनियर्स जैसे आप कह रहे थे कि हमारे सीनियर्स धीरे धीरे गुजर हो रहे जा रहे हैं और दुनिया से खत्म होने जा रहे जिन्होंने की मंदिर बनाया था हमारे जो रिलीजन का नाम दिया था और आज तक भी पूजा पाठ करते हैं अपना कल्चर को फॉलो करते हैं लेकिन जब हमारे जो वो ऑल नहीं है थीज़ी। तो फिर अगर हम अपने बच्चे को नई इंट्रोड्यूस करेंगे कल्चर रिलीजन में तो हमारा जो धर्म है वो ऑलमोस्ट खत्म में हो जाएगा धर्म के साथ-साथ हमारे कल्चर हमारी लैंग्वेज की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि लैंग्वेज जहां चली जाती है अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ठीक है तो इसी कारण से हमारी यही कोशिश है बच्चों को जरूर लाइए सभी से मैं निवेदन करता हूं बच्चों को लेकर के आइए और प्रोग्राम में भाग ले आइए जैसे अभीडेज uh, चल रही है तो बच्चे आ सकते हैं आनंद लीजिए आप भी आनंद लीजिए बच्चों को भी दीजिए गिव एक्सपोजर अपने कल्चर के विषय में तो यू नो दिस वे यू कैन कीप अप योर कल्चर और अपनी जो भाषा है भाषा के लिए बहुत जरूरी है अगर भाषा लूज कर दिया तो हम कभी कभी ऐसे होता है कई कई जगह बच्चे जानते नहीं है वो अंग्रेजी में बोलते हैं ठीक है उनका भी दोष नहीं है पर हम जैसे चाहते हैं कि घर पर अगर वो अपनी भाषा बोले तो बहुत अच्छी बात होती है ना हुँ. और आखिरी दिन क्या पंडित जी आखिरी दिन हमारे 12 बजे सब कुछ समाप्त हो जाएगा बिफोर बिफोर खत्म हो जाएगी हवन हो होगी और फिर उसके बाद में, लंच, लंच बाद में में लंच लंच के सब समाप्त हो जाएगा अच्छा और नंबर है ये अगर कोई देख रहा है आपसे बातचीत करना चाहता है या या कोई प्रसाद वगैरह भी लेकर आना चाहता है या जो भी कुछ करना चाहता है सब कुछ का मौका है नंबर मेरा मेरा नंबर ले टू फोर तो कोई भी अगर मुझे करना चाहे, तो कर सकते हैं और आपकी प्रोग्राम को मैं बहुत -बहुत देता हूं। जो ए, हमारी दे रहे हैं हमारे मंदिर की और आप भी आते हैं मंदिर में तो uh, सब कुछ होता रहता है यार धन्यवाद थैंक यू सो मच काउंसिल Who are here to talk about legacy of late Mr. KS Nair, who recently passed away at the age of 95? Have a look. Namaste, Sasrikal. Adab Bula Fiji. ham mm dosto, jaise ki aap hain community hai, Fijian community mein, ek esa insan Mr. KS Niker. Uska dehaant ho He was almost 95 years old, and he did a lot of

तो बहुत संस्था के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उन्होंने काम किया ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं चले जाते हैं और हम उनके साथ में जो हमारा लेगेसी उनका लेगेसी है अगर हम ना बात करें तो वो भी लेगेसी भी उन्हीं के साथ में चला जाता तो इसी बातचीत करने के लिए हमने दो तो ऐसे लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है मिस्टर एंड मिसेस राजेंद्र सिंह निर्मला सिंह अ ट्रस्टी फॉर फिजी कैनाडा सीनियर्स Council and Mr. Rajendra Singh is also a senior and with the same organization and they are both been involved with the Fiji Canada seniors for last 20-25 years. So Nirmala ji, today we are talking to you. First of all, thank you very much that you and today we have a trustee who is who is a trustee but he is not Mr. K. S. Naikar. What, आपको अगर हम उसको याद करते हैं या जिसके बारे में बात करते हैं, तो क्या आता है आपको वट डू यू रिमेम्बर ऑफ एम जितना भी बोलूँ मैं वो कम होगी बहुत अच्छा इंसान था जी कनाडा ज्वाइन किया है नाइनटीन सेवेंटी बी में right? और हमारे संस्था में बहुत काम किया सीनियर्स ब्रांच में फिर फिर जी एसोसिएशन में कम्युनिटी में ये नहीं कि खाली वो हमारे संस्था में काम किया है सीनियर्स जहाँ भी ट्रेवल किए जहाँ भी गए साथ साथ हम सभी के गए और एडवाइजर था और बहुत सारे जगह ले गए मैं आपको बतलाती हूँ हाँ। मेक्सिको हाँ। uh, हम हाँ। गए उनके साथ उनकी सलाह से उनकी एडवाइस से एक ग्रुप फॉर्म किया उन्होंने और ग्रुप की आता हो ना मेक्सिको लॉस एंजल्स लॉस वेगास पोर्टलैंड विक्टोरिया पेंटिकटन खिलौना हवाई और भी कई जगह हम गए और फिर क्रूज पे भी हम गए क्रूज वाली तो बहुत लंबी है आ, हम लॉस वेगास गए लॉस एंजल्स गए अलास्का गए और एक समय हम बहुत मुसीबत में फंस गए थे क्रूज में हमारी जो होटल थी उनकी एक होटल छोड़ के तीसरी वाली में शूटिंग हुआ था उसी रात को हम हम लोग हम हमारे हस्बैंड और मिस्टर आकर एक फ्रेंड के घर गए थे खाने के लिए वहाँ से लौटते समय वी वर वेरी लकी टाइम से हम होटल आ गए लेकिन बाद में रोड वॉज ब्लॉक नो बी कुड मूव फोर इवन हाफ ए नाइट और नेक्स्ट मॉर्निंग देवर ऑन द रोडर्ड तो उस मुसीबत में फंसे फिर भी सीनियर्स को उन्होंने सभी को संभाला हम मिलकर सब डर गए थे लेकिन ईश्वर की दया से अच्छी तरह से घर आ गए अपने होटल में आ गए और उसकी जो सर्विस है नो बॉडी कुड डू वट ही हैजन पी जी में भी उसकी वाइफ विमला दोनों मिलकर बहुत सेवा किया साथ साथ में हम सब सीनियर्स को संभाले इधर उधर ले गए ये नहीं कि खाली सीनियर्स के लिए इतना किया लेकिन अपनी कम्युनिटी अपने परिवार के लिए भी प्राइवेट भी जैसे इंडिविजुअल किसी को प्रॉब्लम होगा वहाँ फ़ोन करते थे उनके पास सभी को एडवाइस देते थे ऐसे इंसान कहाँ मिलेगा आप बताओ ऐसे इंसान तो नहीं है, लगता है ना तो कोई है ना तो कोई रहेगा, रहेगा। या जितना उन्होंने अपने दिल से अपने समाज के थ्रू और वाइफ जब तक थी नौ साल पहले उसकी वाइफ बिमला जी आ, वो थी नायक वो पास्ट हो गई तो उसके बाद में उन्होंने अपने फैमिली अपने बेटों के पास मूव हो गए इनका फैमिली ने भी आखिरी नौ साल तक जब अकेले थे बहुत बहुत उनका टेक किया, किया। एंड बॉबी और बॉबी की वाइफ माँ उसको लेकर आते थे यहाँ बेचारे बैठते थे एवरी <coughs> बर्थडे को हम उसका अनाउंसमेंट करते थे ऐसे ऐसे इंसान एक ही बार जन्म लेता है और फिर तो दुनिया से चला जाता है लेकिन अगर हम उनको ना याद करें वो हमारे लिए ये बहुत बड़ा कि एक किसी छोड़ कर गया जैसे आपने कहा कि जितना भी कहो मिस्टर नायकर के बारे में एक कम है रजिन भाई आप भी उसके साथ में काफी खाए घूमे एंजॉय किया एंड ऑल दैट व्हाट डू यू रिमेम्बर क्या आपका अभी हम जब उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या क्या उसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं क्या किया मेरी मुलाकात मिस्टर uh, नायकर से फिजी में हुई थी अच्छा। 1969 में जब मेरा ट्रांसफर लटोका तो में हुआ कोऑपरेटिव uh, डिपार्टमेंट में उसी डिपार्टमेंट में उनकी वाइफ बिमला थी वो हमारी सेक्रेटरी टाइपिस थी और उसी बिल्डिंग में मिस्टर नायकर का भी दफ्तर था ग्राउंड फ्लोर पे और मेरी पहचान उसी समय से उनसे हुई फिर बाद में सेवेंटी वन में मैं कनाडा आ गया और कनाडा आने से पहले हमारी ट्रांसफर रेकी रेकी में हो गई थी हम दो साल वहाँ थे तो मिस्टर नायकर जब भी कभी रेकी रेकी आते थे वो ज़रूर हमसे मिलते थे फिर हमारी दोस्ती और बढ़ गई यहाँ जब वो आए और हम दोनों फिजी जी कैनेडा के, के बोर्ड में थे बहुत दिन तक तीन साल तक उन्हें उन्होंने प्रेसिडेंट का काम संभाला और उनके नीचे हम बोर्ड में थे फिर बाद में सीनियर सिटीजन काउंसल फॉर्म हुई फिर उसके बाद में सीनियर ब्रांच फॉर्म हुई तो हम साथ में मिलकर काम करते थे और जहाँ जहाँ वो क्रूज ले गए जैसे निर्मला जी ने बतलाया हम साथ में गए एक या दो बार हम नहीं गए थे और वे हमारे सीनियर्स के दुआ के एडवाइजर थे और जहाँ भी हम जाते थे बड़ी भाली भक्ति से वो सब कुछ अरेंज करते थे थैंक यू हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है लीजिए देखिए Please have your pen and paper ready to make notes. Asian Pearls TV Shakti Society One Voice Canada and Justice Mustang are observing March 21st International Day of Elimination of All Forms of Racial Discrimination on Tuesday from 5 until 7:30 p.m. This is a free event and you are all invited. For more information please call 604-537-5123. We are looking for kidney transplant recipients from our Fijian community who had kidney transplants and would like to be a Kidney Foundation ambassador. Please call us at 604 537 5123. We will forward your name and number to the foundation. Kidney donation we are in dire need for a kidney donation for a very close friend of fiji and focus she is a 75 year young female who spent all her life working in the healthcare sector at vgh she has a kidney failure if you can donate just one kidney we all have two kidneys please consider organ donation organ donation saves lives if we are interested please call 604-537-5123 हमारे पास इतना ही समय था अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो को देखने के लिए हम ऐसे ही आशा करते हैं कि हमारे शो से जुड़े रहे इस शो को आप देख सकते हैं एवरी थर्सडेज एट टू थर्टी पी एम एंड ऑन सनडेज एट फोर पी एम वैंकूवर टाइम ऑन चैनल फोर एंड इन कैलग्री एट फाइव पी एम चैनल टेन Upload YouTube bi the exact Fijian focus. Please press the like button and do not forget to share. Asian Pulse TV teen शो show दिखाते हैं. on every Wednesdays at 2:30 pm, Thursdays at 8:30 p.m. and Saturdays at 5.30 p.m. Camila Singh Talk Show on every Monday at 10 a.m. and on Sundays at 5:30 p.m. Viti vibes. TV on Thursdays at 10 p.m. and on Sundays at 4.30 p.m. Please watch all our shows. Like and share. Now next week, Tuesday, at 10 p.m. only on Shah. We thank you for spending your time with us. And please watch and share. I'm your host, Sarah Sharma. Thank you.